Hey guys, welcome to the Android Guide channel and आज के इस वीडियो में मैं आपको दो स्मार्ट वॉचेस को कंपेयर करने वाला हूँ। Redmi वॉच को कंपेयर करने वाला हूँ नॉइस के कलर फिट प्रो 3 के साथ। ये जो दोनों वॉच है वो काफ़ी रिसेंटली ही लॉन्च किया गया है। Redmi वॉच तो दो दिन पहले ही लॉन्च किया गया है, तो मैं इन दोनों को इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में जो प्राइस डिफरेंस है वो आपको 1000 रुपीज़ का मिलता है। आपको नॉइस कलर फिट प्रो 3 जो है उसका प्राइस है 4999 रुपीज़ और Redmi वॉच का जो प्राइस है वो है 3999 रुपीज़। सो गाइज, इन दोनों वॉच को कंपेयर करने का मोटिव ये है कि इन दोनों में से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये ज़्यादा देते हैं तो क्या कुछ आपको बेनिफिट मिलने वाला है नॉइस के कलर फिट प्रो 3 में, वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में इन डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरे अंत तक देखें, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तब आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Redmi Watch और Noise Color Fit Pro 3 में अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे पहले Redmi Watch के डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको 1.4 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है, 320x320 pixels आपको इसमें मिलते हैं, 323 pixels पर इंच आपको इसमें मिल जाएगा और 350 nits का पीक ब्राइटनेस इस वॉच में मिलता है। 2.5D के कर्व्ड ग्लास के साथ ये वॉच आएगा। अब बात करते हैं Noise Color Fit Pro 3 में, तो इसमें आपको 1.55 इंच का LCD डिस्प्ले मिलता है और 320x320 पिक्सल्स इसमें मिलते हैं, 311 पिक्सल्स पर इंच आपको इस वॉच में मिल जाएगा और 500 निट्स का आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलता है और 2.5D का कर्व ग्लास इसमें मिल जाता है। दोनों ही में आपको 100 प्लस वॉच फेसेस मिल जाते हैं। GPS जो है आपको इनबिल्ट दिया गया है Redmi वॉच में और नॉइस कलर फिट प्रो 3 में GPS इनबिल्ट नहीं दिया गया है। स्पोर्ट्स मोड जो है आपको Redmi वॉच में 11 मिलते हैं और नॉइस कलर फिट प्रो 3 में 14 स्पोर्ट्स मोड मिलते हैं। दोनों ही में आपको 24x7 हार्ट रेट मॉनिटरिंग सेंसर मिलता है, स्लीप ट्रैकिंग दोनों ही से हो जाएगा, गाइडेड ब्रीदिंग एक्सरसाइज दोनों ही से आप कर सकते हैं। दोनों ही में आपको 5 ATM वाटर रेजिस्टेंट मिलता है। दोनों ही वॉच जो है वो 10 डेज का बैटरी लाइफ सपोर्ट करता है। दोनों ही वॉच में आपको जो है वो अदर नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं और अगर Redmi वॉच को कंट्रोल करना हो तो उनको आपको Xiaomi Wear ऐप को डाउनलोड करना होगा और Noise Color Fit Pro 3 को कंट्रोल करना हो तो Noise Fit ऐप को डाउनलोड करना होगा। चार्जर के मामले में बात करें तो यहाँ पे प्लग एंड चार्ज का ऑप्शन मिलता है Redmi वॉच में और मैग्नेटिक चार्जर जो है आपको Noise Color Fit Pro 3 में मिलता है। चार कलर ऑप्शन आपको Redmi वॉच में मिलते हैं और 6 कलर ऑप्शन Noise Color Fit Pro 3 में मिलते हैं। Redmi वॉच में आपको 230 mAh का बैटरी मिलता है और Noise Color Fit Pro 3 में 210 mAh का बैटरी मिलता है और दोनों ही में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है। और प्राइस के मामले में यहाँ पे आपको Redmi वॉच का प्राइस है 3999 रुपीज़ और Noise Color Fit Pro 3 जो है वो 4999 रुपीज़ में आता है। बट यहाँ पे आपको दो चीज़ और एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 24x7 SpO2 सेंसर जिससे आप अपने ब्लड ऑक्सीजन लेवल को सेंस कर सकते हैं और स्ट्रेस मॉनिटर जो है वो आपको इसमें दिया गया है Noise Color Fit Pro 3 में। सो गाइस, यहाँ पे जो है वो Noise Color Fit Pro 3 ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रही है। इसमें आपको डिस्प्ले बड़ा मिल रहा है, प्लस इसमें आपको जो है वो ब्राइटनेस भी जो है वो Redmi Watch से ज़्यादा मिल रहा है, पिक्सल्स पर इंच जो है वो कम है बट यहाँ पे बाकी जो ओवरऑल पिक्सल्स हैं वो आपको ज़्यादा मिल रहा है। तो आप जो है वो Noise Color Fit Pro 3 के साथ जा सकते हैं, ये Redmi Watch के कंपेरेटिवली जो है वो ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। सो गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो नीचे कमेंट करें, मैं आंसर ज़रूर दूंगा।